क्या मसला है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखना चाह रहा था। जो तुझे देखने से मिला, सारा मसला इसी से पूर्ण कर। उमेर बाज आ जाओ तुम, वरना वरना क्या करो? घर से निकाल दोगी मुझे? अम्मी अब्बू को शिकायत लगाओगी मुझे? लगा दो। तुम ये सोचो अगर घर में रह के ये सब कुछ कर सकता हूँ, घर से बाहर निकल के क्या करूंगा? उमेर, जिसने कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आज बीवी की हमायत में बोलकर चला गया मेरे सामने, जी जी हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कल। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फातिमा जल्दी से तैयारी करो, कल हम हनीमून पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। फातिमा क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुताहिर हम फिर कभी चलेंगे ना, प्लीज। फातिमा तुम मम्मी की वजह से कह रही हो, प्लीज अम्मी की फिक्र नहीं करो, उनको मैं मना लूंगा यार, उनको समझाना मेरा काम है, तुम बस जल्दी से तैयारी करो। ताहिर हम पप्पू को नाराज करके अपनी झोली में खुशियां कैसे समेट सकते हैं? और वो हमारे भले के लिए कह रही हैं, अगर आज हम पैसे बचाएंगे तो कल वो हमारे ही तो काम आएंगे, सही तो कह रही हैं वो। फातिमा मैं तुम्हें कौन सा कहीं बाहर लेके जा रहा हूँ, इस्लामाबाद तो जा रहे हैं और वैसे भी ट्रेन पर जाएंगे और ट्रेन से वापस आ जाएंगे, कितने पैसे लग जाएंगे? प्लीज फातिमा एक सेकेंड यार, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ हनीमून पर जाना ही नहीं चाहती? मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं मुता,